सुभाष सिंह यादव दूरदर्शन के साथ, और अभी हम पटना जिले के गंगा किनारे घाघा घाट किनारे हैं और मधुबनी जिला के बहुत सारे युवा पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और मधुबनी अभी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है और उन लोगों का घर भी प्रभावित हुआ है। तो अभी हम उन्हीं कुछ युवाओं के बीच में हैं मधुबनी जिले के, उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या दुख दर्द है। अभी घर से बाहर हैं वो, तो क्या सोचते हैं घर के बारे में, उनका क्या ख्याल आता है, घर से क्या क्या सूचनाएं मिल रही है, लोगों प्रशासन का वहां क्या सहयोग हो रहा है और बाढ़ से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए, कहाँ कमियाँ रह जाती है, सामाजिक तौर पर क्या क्या लोगों को पहले से तैयार होना चाहिए, बाढ़ से पूर्व क्या क्या तैयारी की जानी चाहिए। यहाँ हमारे साथ अधिकतर लोग हैं जो या तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों से बात करते हैं और बाढ़ की स्थितियों पर कि प्रत्येक बाढ़ तो प्रत्येक साल आता है लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से क्या कहाँ कमियाँ रह जाती हैं जिससे कि बाढ़ के लिए लोग तैयार नहीं हो पाते हैं या समाज क्यों नहीं तैयार हो पाता। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, मधुबनी जिला के युवाओं से, पटना के गंगा किनारे घाघा घाट से। आप वीडियो में देख सकते हैं अभी कि सौंदर्यीकरण घाट का किया गया है उसमें मिथिला पेंटिंग से, यानी कि इसे कह सकते हैं कि आप मिथिला और मगध का मिलन भी कह सकते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र में हम लोग अभी हैं और मिथिला पेंटिंग से इसके दीवारों को सजाया गया है और मधुबनी जिला के कुछ युवा हमारे साथ हैं, उन युवाओं से बात करेंगे, उनसे का परिचय जानेंगे कि बाढ़ के बारे में उनका क्या ख्याल है, घर से जब जो कोई दुखद सूचनाएं मिलती हैं उनको तो वे क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तो आइए बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? राम नरेश ठाकुर। आप मतलब कहाँ रहते हैं अभी? अभी महेंद्रू घाघा घाट। महेंद्रू रहते हैं, क्या कर रहे हैं पटना में रहकर? अभी हम प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं अभी आपके एरिया में भी मतलब बाढ़ आया हुआ है, क्या आपका घर भी प्रभावित हुआ है? मेरा घर जी सर मतलब प्रभावित हुआ है। तो प्रभावित हुआ है तो क्या ख्याल, घर से क्या मतलब क्या समाचार मिलता है और आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है उस पर? घर से जो सुनने को मिलता होगा कि पानी घुस गया या कुछ हो गया, और बाढ़ से तो प्रत्येक साल प्रभावित रहे होंगे जी सर, तो क्या आपको लगता है, खराब लगता होगा तो फिर मतलब घर से क्या सब बात हो, आप कुछ अपनी अनुभूति बताइए हम लोगों को। मतलब जहाँ तक घर से मतलब जानकारी मिली हुई है, जो मतलब बाढ़ आने की मतलब जो समस्या थी ऐसा, तो मतलब यदि प्रशासन की ओर से इसके बारे में जानकारी दिया जाता तो मतलब हम लोगों का जो प्रभावित हुए हैं उस तरह का अलर्ट नहीं मिला हुआ था। और प्रशासनिक कार्रवाई से आप खुश हैं कि नहीं, कि मतलब संतुष्ट हैं पूरी तरह कि नहीं? पूरी तरह संतुष्ट नहीं है सर। और आप यहाँ तैयारी करने आते हैं, बाढ़ तो प्रत्येक साल आता है, तो लगता है कि सरकार की ओर से भी कुछ कमी रह जाती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सामाजिक लेवल पर, या जो बाढ़ के लिए उपाय आते हैं कि बाढ़ से पहले अलर्ट जो जारी होता है वो भी लोगों तक सही समय पर पहुंच नहीं पाता, मतलब प्रशासनिक गड़बड़ी भी आप इसे देख सकते हैं जी सर? ये प्रशासनिक पूर्ण रूप से मतलब लापरवाही है, कहे कि सर यदि इस टाइप की जानते हैं मतलब बाढ़ आ रही है तो मतलब इसकी पहले जानकारी दिया जाए, क्योंकि कई लोगों से हमने भी पूछा तो उन्होंने बताया कि बाढ़ की यहाँ स्थिति से सबको पता है कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ नाव की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन नाव की व्यवस्था नहीं, मतलब यहाँ जयनगर के आसपास के क्षेत्रों में देखी गई, तो प्रशासनिक कमी भी आप देख सकते हैं। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर जयनगर फरदाईपुर। आप क्या करते हैं? यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप पटना में रह रहे हैं और आपके घर पर अभी बाढ़ आया हुआ है, तो क्या फील कैसा होता है यहाँ? देखिए फील अब दुखद, फील तो दुखद ही हो रहा है लेकिन पता किए तो वहाँ पता चला कि बाढ़ जो है सो काफ़ी बहुत ज़्यादा स्थिति विकराल स्थिति में बाढ़ आई हुई है। और तैयारी के लिए आप लोग आते हैं यहाँ लेकिन अपना मतलब व्यक्तिगत जीवन में सुधार के लिए लोग कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा पास करना चाहते हैं, समाज में क्यों नहीं बदलाव आ पाता है इतना कि लोग बाढ़ से जो जो घाटा या नुकसान हो सकता है उससे पहले से क्यों ना तैयार हुआ जाए, या सरकार की ओर किसकी कमी आप देखते हैं, समाज की कमी या राज्य सरकार, केंद्र सरकार या जनप्रतिनिधि या लोगों में जागरूकता का अभाव, क्या आपका अनुभव है? लोगों में तो कुछ जागरूकता का भी अभाव है और हमारी सरकार में भी कुछ कमी है, जो पहले से अलर्ट नहीं रखते हैं कि अब बाढ़ आने की संभावना है या
मौसम बरसात की स्थिति में आ चुकी है, तो हम लोग को पहले से अलर्ट करना चाहिए। इस तरह से प्रशासन भी नहीं करते, अलर्ट नहीं करते, और प्रतिनिधि भी कुछ कमी है जो वो अलर्ट नहीं रह पाते हैं पहले से। अगर अलर्ट होने के बावजूद भी वो सतर्क नहीं होते हैं बाढ़ के लिए, बाढ़ से पहले सूचना के तौर पर विभिन्न पैम्पलेट बांटे जाते हैं सरकार द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा, तो क्या घर घर यह पहुंचता है सूचना की बाढ़ की स्थिति में क्या करना चाहिए, और अगर सांप काट ले जा बहुत तरह की परेशानी हो सकती है ना उसमें, तो दवाओं का ये सब तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तो विभिन्न तरह के पैम्पलेट कैलेंडर ये सब लोगों में बांटने के लिए आते हैं विभिन्न विभागों में ब्लॉक में, तो ये सब मिलते हैं लोगों को कि नहीं, मतलब प्रशासनिक दृष्टि से आप इसे कैसा देखते हैं? कि जब से मुझे जानकारी मिली है कि जब से हम कुछ जानने या समझने लगे तब से आज तक हम ग्रामीण क्षेत्र में ये इस तरह का सुविधा हमने कभी नहीं देखा, मतलब कभी नहीं देखे कि प्रशासन इस तरह का प्रचार करे कि बाढ़ में क्या क्या, इस तरह से हम लोग कभी सुविधा नहीं देखे आज तक। आइए कुछ और युवाओं से बात करते हैं, आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मिथिलेश कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? जयनगर। बेलही भी प्रभावित है क्या बाढ़ से? जी बहुत ज्यादा प्रभावित है। और आपका बेलही प्रभावित है उसमें आपका भी घर प्रभावित है या आपका घर बचा हुआ अभी? नहीं मेरा घर बहुत ज्यादा प्रभावित है, उसमें पानी इतना डूब गया है, पानी से डूबा हुआ घर है। आप लोग तो बुद्धिजीवी है, पढ़ाई कर रहे हैं और समाज में बदलाव लाने का चाहत रखते हैं, तो ये बताइए कि कमी कहाँ रह जाती है कि हर वर्ष तो बाढ़ आती है लेकिन क्यों नहीं मतलब पहले से तैयारी होते हैं, या क्या कहीं तो कुछ कहीं तो लूप होल रह जाता है सिस्टम में? जी हमारे समाज का कोई ना कोई उस पर ध्यान बात नहीं देता है, मुखिया की ओर से या जनप्रतिनिधि कहीं से भी, तो कहीं से कोई प्रकार रोजगार चाहे केंद्र सरकार चाहे राज्य, मतलब समाज के तौर पर एक तरह से बिहार विफल हो चुका है। विफल हो चुका है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रमन कुमार यादव हुआ। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? SSC की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका गांव भी प्रभावित हुआ है क्या बाढ़ से? बाढ़ से तो बहुत प्रभावित हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं बाढ़ के बारे में कि मतलब बाढ़ आता है नुकसान इतना होता है, उस नुकसान का जिम्मेवार आप किनको मानते हैं, मतलब समाज को मानते हैं कि सरकार को कि प्रशासन को? कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है तभी तो। कुछ तो हमारे समाज में भी कुछ कमी रहता है जो पहले से जागरूकता नहीं रहता है प्लस, क्योंकि ऐसे ऐसे उदाहरण रहे हैं पूरे दुनिया में। हाँ। जो जैसे जापान को ही देख लीजिए, भूकंप वहाँ हमेशा आता है लेकिन वहाँ क्षति कुछ नहीं होती क्योंकि वहाँ उस तरह से तैयार किया जाता है। जी जी वहाँ का जनता जागरूकता रहता है, हमारे यहाँ जो जनता को जागरूकता रहना चाहिए, पहले से अलर्ट रहना चाहिए, उस तरह से है नहीं। शासन और प्रशासन की व्यवस्था जो होनी चाहिए पूरी सही ढंग से नहीं हो पाती है, इसीलिए नहीं मतलब। घर से जो कोई दुखद समाचार मिलता होगा कि घर डूब गया या मवेशी खो गया या इस तरह का, तो क्या अनुभव मतलब क्या यहाँ से फील करते हैं आप, क्या संदेश घर को देते हैं? मतलब बहुत दुखद फीलिंग होता है प्लस मतलब गाँव समाज में जिस तरह से प्रशासन और राज्य सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से, मतलब पीपुल फ्रेंडली नहीं बन पाया प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये स्थिति आता है तभी सरकार भी। अच्छा ये जानकारी है आपको कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा हर व्यक्ति के लिए हर घर के लिए कैलेंडर छापे जाते हैं कि बाढ़ के महीने में क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पैम्पलेट बांटे जाते हैं, CD बांटा जाता है कि अगर बाढ़ आ गया घर में पानी आ गया तो पानी को पानी ही अगर पानी पीने से भी तो लोग संक्रमित हो सकते हैं, तो पानी को गर्म करके छान कर क्या सब ये सब तो जन मतलब जागरूकता के लिए किया जाता है कि नहीं आपके एरिया में प्रशासन द्वारा? कुछ नहीं किया जाता है हमारे एरिया में, कुछ जागरूकता नहीं किया जाता है प्रशासनिक तौर पर, कमी देखते हैं कुछ जागरूकता नहीं किया जाता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार। आप इतनी देर बातचीत में हम लोग तो ये तो जान ही गए कि बाढ़ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हर एक वर्ष बाढ़ आती है लेकिन मतलब जोखिम जो होता है ना या क्षति उससे हम लोग बच नहीं पाते, क्या कारण है कहाँ कमी रह जाती है? कारण राज्य सरकार और प्रशासनिक लोगों में जागरूकता का अभाव या प्रशासनिक तौर पर देखते हैं कि क्षमता। बाढ़ ऐसा प्राकृतिक आपदा है जिसमें पता नहीं रहता लोगों कब आने वाली है ऐसे तो। लेकिन ये तो है कि प्रत्येक साल एक खास महीने में आता है। हाँ, प्रत्येक साल आती है लेकिन अधिक मात्रा में, किसी किसी बार खुद से बचाव हो जाता है, किसी किसी बार नहीं हो पाता है खुद से। प्रशासनिक कमी भी देखते हैं क्या इसमें? तो 100% है प्रशासनिक कमी, राज्य सरकार की कमी। प्रचार के लिए जो साधन अपनाए जाते हैं सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कि लोगों को जागरूक करना है कि वह क्या खाए क्या रहे कैसे रहे, दवा कैसे सुरक्षित रहे, फर्स्ट एड की सुविधा घर में रखे, ये सब तो गांव में क्या बांटा जाता है या प्रशासनिक तौर पर? तो पता ही नहीं चलता है पंपलेट क्या होता है कहाँ मिलता है, कुछ नहीं पता इसके बारे में किसी को। यानी जैसे बाढ़ से ग्रसित हो गया उसके बाद क्या करना है, जैसे बहुत तरह के जंगली जानवर। आप पटना में क्या करते हैं अभी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग घर से दूर रहकर यहाँ? घर से जब जो सूचना मिलती होगी कि इस तरह की बात, तो कैसा फील होता होगा कि घर में तो कोई परेशान है बाढ़ से? किसी तरह का कोई सदस्य परेशान हो तो सबको परेशान हो जाते हैं इसमें।
तो अभी हम लोग यहाँ पटना के घाघा घाट पर थे, जो आप वीडियो में आप देख सकते हैं, और यहाँ गंगा ड्राइव का काम चल रहा है। गंगा ड्राइव मीन्स मुंबई में, या आप लोग में से जो लोग भी गए होंगे या सुने होंगे कि मरीन ड्राइव है, उसी के तर्ज पर पटना में पटना नगर निगम द्वारा यहाँ पर गंगा ड्राइव का काम चल रहा है, जो गंगा नदी में आप देख सकते हैं, और गंगा पाथवे बनाया गया है, तो इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी दीवारों पर मिथिला चित्रकला से सजाया गया है, और विभिन्न कौन सा घाट का क्या इतिहास रहा है वो अपना निर्देश पट्टी लगाकर, यानी कि साइन बोर्ड लगाकर दिखाया गया है कि कहाँ का क्या इतिहास रहा है। लोग यहाँ पर, अभी हम बात कर रहे थे मधुबनी जिला के कुछ युवाओं से जो पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आगे हम लोग और आगे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे और आपके माध्यम से लैब दिखाते रहेंगे कि लोग समस्या कहाँ है हमारे समाज में और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, कहाँ कमियाँ रह जाती है, सामाजिक स्तर पर कमी या व्यक्तिगत स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर या फिर सरकार के स्तर पर, क्योंकि सरकार के स्तर पर या विभागीय स्तर पर तो विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती है प्रचार के लिए, जिससे कि लोग जागरूक हो सके, लेकिन लोगों तक यह सूचना पहुँच नहीं पाती है, तो आखिर कमी कहाँ रह जाती है। तो इसी संबंध में समय समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लैब आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दर्शकों का धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।